तो हम लोग इधर बलेडी पहुँच गए हैं, और पहुँचते ही बाबू को तो बहुत मज़ा आ रहा है। इधर देखिए अपने खेलने में बिजी हो गया है, किसी से नहीं डर रहा है। इधर हम लोग यहाँ पर थोड़ा देरी बैठे हैं, उसके बाद हम लोग के लिए जलजीरा आ गया तो हम लोग पी रहे हैं। तो देखिए बाबू भी पी लिया, हम सोच रहे थे बाबू नहीं पिएगा, बहुत अच्छा लगा पी के। हम लोग बात कर रहे हैं इसमें क्या क्या डाला हुआ है, बोलते तो इधर हम लोग का रेनिल को देखिए खाने पीने का देख करके कि पता नहीं लाइट वगैरह देख के एकदम नाचने लग गया है। उधर में दुमंग बज रहा है तो उसी को सुन करके टेबल टी टेबल में चढ़ गया ऊपर में और डांस कर रहा है। देखिए पूरा एंजॉय कर रहा है। नहीं नहीं इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है। क्या आप लोग के बच्चे भी ऐसे करते हैं कहीं ले जाते हैं तो? मेरा बच्चा तो एकदम उछल कूद इधर उधर दौड़ना उसका स्टार्ट हो जाता है। तो आज माघे पर्व का बाकी है तो सब लोग इधर उधर से आए हुए हैं मेहमान। तो इधर हमारे जीप पानी के दादू भी आए हुए हैं तो हम लोग से मिलना जुलना हो रहा है, बातचीत हो रहा है इधर। फिर कुकू दोनों आपस में दादू के साथ बात कर रहे हैं, हम लोग भी बात कर रहे हैं साथ में। और इधर में देखिए बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं बहुत दूर दूर से, तो यहाँ पे देखिए हम लोग से मिलने के लिए भी आ गए सब। हम लोग एक दूसरे को जोहार कर रहे थे और बाबू तो ऊपर में चढ़ गया है, बाबू भी जोहार किया था। और फिर हम लोग के लिए एकदम स्वादिष्ट सा चाट और दही बड़ा आ गया तो हम लोग इसका मज़ा लेते हैं। उसके बाद देखिए बाबू दोबारा से मंगाया, उसको चाट बहुत पसंद आया। तो ये सब खाने के बाद फिर हम लोग के लिए ये देखिए और भी कुछ आ गया हमारे लिए नाश्ता। इसमें था मूंग दाल, चना, साबुत वाला, उसके बाद सेब, अनार, सबको मिक्स करके बनाया गया था। उसके बाद पोड़म जिलू मतलब क्या बोलते हैं पत्ता में सिजा करके ये चिकन आ गया था, और धनिया चटनी साथ में। तो एकदम हम लोग खाने में बिजी हो गए और इधर इन दोनों का खा पी करके देखिए एक ही जगह रख दिए हैं। और हम लोग का देखिए सेकंड बार आया है चाट तो उसी का मज़ा ले रहे। तो हम लोग का नाश्ता वास्ता होने के बाद इधर हम लोग निकल गए जिधर पूजा हो रहा था, आज जात्रा पूजा हो रहा है। तो उधर साइड में देखिए इधर पत्थर के सामने पूजा हो रहा है, दियोरी लोग इधर पूजा कर रहे हैं और इधर दामा दुमंग बज रहा है, उधर में लोग नाच रहे हैं और बाकी लोग कुछ कुछ देख रहे हैं साइड से। थोड़ा सा दूर से वीडियो हुआ है तो पहुंचते ही देख रहे हैं कि पूजा हो रहा है तो रोड तरफ से वीडियो कर लिए हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं। तो देखिए इधर सामने से हम लोग वीडियो बना लिए हैं, तो नाचने वालों को देखिए आप लोग एंजॉय करिए, कितना अच्छा से नाच रहे हैं लोग। अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, आज तो बासी पर्व है तो आज खान पान ज़्यादा होता है, तो बहुत सारे मेहमान आज ही के दिन आते हैं क्योंकि मरंग पर्व के दिन तो चिकन वगैरह नहीं बनता है हम लोग का। तो खाने पीने के बाद देखिए आ गए हैं बहुत कोई, फिर नाचना चल रहा है और इंजॉय करिए वीडियो को। नगाड़ों और मांगर के साथ देखिए खेतों के बीचों बीच में नाच रहे हैं लोग और दो जगह पूजा हो रहा है, देखने वाले लोग भी साइड में खड़े होकर के देख रहे हैं, बच्चे लोग भी पूरा इंजॉय कर रहे हैं पूरा नाच रहे हैं। तो देख
सूरज क्योंकि मौसम कर रहा था, तो इधर देखिए शाम हो चुका था, बाबू मैया के साथ खेल रहा था और इधर तेल बोतल मिल गया तो बाबू पूरा तेल ले करके पकड़ा हुआ है और मैया को परेशान कर रहा है। बारिश हुआ उसके बाद हम लोग अंदर घुस गए, फिर खाना वाना खा करके वापस आए तो हम लोग वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि इतना तेज बारिश में कैसे क्या वीडियो बनाते, नाचना गाना भी उसके बाद बंद हो गया तो हम लोग घर वापस आए। तो आज का हमारा ब्लॉग यहीं पे एंड होता है, वापस हम लोग घर आ गए और रेनिल भी अभी तक जागा हुआ है, डिंग डिंग कर रहा है आ करके, और क्योंकि वहाँ पे तो इतना बारिश हो गया तो नाचना तो हुआ नहीं ना बेटा। देखिए उठ करके अभी डांस कर रहा है और इतना बार तो हम लोग वहीं पे फंस गए और हम लोग का रूम सब पूरा कचड़ा हो गया। तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर से कीजिए। बाय बाय।